अर्चना जी, हाँ जी, सोसाइटी का मीटिंग रखे हैं। अच्छा, क्या बताएं आपको, 6 महीना हो गया है, मेंटेनेंस का 1 पैसा नहीं दिया किसी ने। आज सबसे पैसे निकलवाएंगे। अच्छा, आप भी ज्यादा खुश मत होइए, 25,000 आपसे निकलवाएंगे। मैंने सिद्धू साहब का फंसा पड़ा है, निकालना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन सच में देखिए, आप मीटिंग रखा है सोसाइटी का, एक बंदा नहीं आया। हाँ। भंडारा रखा होता, रात को आके सारे बैठ जाते हैं। इधर सोसाइटी का मीटिंग है, तुम्हारे माँ का मुंडन नहीं आया। मुंडन पे मत जाना। अच्छा, माँ चलेगा? हाँ, वो चलेगा। गलत बात है। हाँ? मेरे को डांट रहा था। हाँ? अभी बीवी आई तो कुछ नहीं बोल रहे है। हाँ, तो भाई इतिहास गवाह है, पत्नी के सामने मर्द कहाँ बोलता, कहाँ बोलता है? और जो मर्द बोलता है वो फिर मर्द नहीं रहता। हाँ? फिर वो औरत बन के किसी शो में। औरत बन के शो में ब्यूटी पार्लर चलाता। हेलो। अरे कोई नहीं। अरे आपके फैन। हेलो करो। हेलो, कैसे सिद्धू साहब? हाँ, सब कुछ ठीक है। मैंने आपकी कुर्सी सैनिटाइज करवा दी है, तकिया रखवा दिया है। मुझे पता, खाना खाने के बाद आप 14-15 घंटे की पावर नैप लेते हो। हाँ, देखना ऐसे किसी दिन फोन आया, डर गई थी ना आप। सॉरी, हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम सीरियस है। ये देख रही है आप? हाँ? ये पूरा शो मैंने लाइव दिखा देना, इससे पहले कि आप दिखाए। आपके मैं कंपटीशन में आ गया हूँ। एक तो इतने लाइक आते हैं ना, मैं लाइव जाऊँ, ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ सैनिटाइज करना पड़ता है। अरे ये क्या? अरे अरे, अरे क्या? बस, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। देखिए, सोसाइटी का मीटिंग चल रहा है, आपको भी मेंटेनेंस का पैसा देना, आज हिसाब होगा। तू भी किसान भाइयों का हिसाब दे। हाँ? उन्होंने अनाज उगाया देश के लिए, तू अकेले खा गया। अगर हम पूरे देश का अनाज अकेले खा गए तो सोचो हम कितने भूखे होंगे। अब इससे पहले कि कल सुबह आप हमारा आहार बन जाए, वो काम शुरू करते हैं जो करने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेरे लिए चाय मंगवाना। मेरे लिए जाग वाली कॉफी। मेरे लिए समोसा हरी चटनी के साथ। क्या चल रहा है? समोसा हरी चटनी, सोसाइटी मीटिंग है। चटनी रहने दो, खाली समोसा मंगवा लो। खाली मत मंगवाना, उसमें आलू भरवा दो। आलू ना तुम अपने यहाँ पे भर लो, यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी दिमाग तो आए नहीं। अगर मैं आलू यहाँ भरवा लूंगी तो पराठे में क्या भरूंगी, दिमाग है? यार, इसको सोसाइटी का अध्यक्ष किसने बनाया? मैंने तो वोट भी नहीं दी, इनका तो दिमाग ही नहीं है। अरे अध्यक्ष तो इसको हमने रखा है, लेकिन आपने तो इसको पति रखा हुआ है, सोचो। ओ हाय, मैंने इसको पति रखा हुआ है? आप लोग सच्ची कहते हो, मेरा दिमाग ही नहीं है। भूरी तो ऐसे बोल रही जैसी शकीरा। ये वेटर को ना करे कपड़ों में। वेटर नहीं हूँ मैं, समझ में आया, ये मेरा कॉर्पोरेट लुक है। कौन सा कॉर्पोरेट लुक? कॉर्पोरेट लुक नहीं है, कार पे कपड़ा मार के पेट भरने वाली लुक है तेरी, समझी? ज्यादा बोल मत, वरना इसी ट्रक के बोनेट पे ना कपड़ा मार दूंगी। और मेरी बात सुन, ये तूने मीटिंग बुलाई की मैकेनिक बुलाए? ये मुंह देखो इसका, जैसे कुकर फाड़ के दाल छत पे लग गई हो। वाह, दाल का बड़ा पता है आपको। और ये वही कुकर है जो फटा था। ऐसे कैसे फट गए आप? यार, आप सीटी नहीं मार सकते थे? मैं आपको ऐसे उठा के गैस के नीचे रख देती। पर जिस कुकर की किस्मत में ऐसी खिचड़ी लिखी हो, उसका तो फटना ही बनता। अच्छा, लेकिन एक बात है अर्चना जी, लोग कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, इनको देख लगता है गोदाम में बनी इनकी। अंकल उनको क्या बता रहे, उनकी खुद की गैरेज में बनी है। अरे गैरेज का नाम सुन के कुछ खाने का मन कर गया यार, कुछ मसाले वाला मंगवाओ। कुछ मैं बनाऊं आपके लिए? तू एक काम कर, दूसरे चैनल से रिलेशन बना। क्योंकि मैंने सोनी की मीटिंग में अंदर की बातें सुनी, दे आर नॉट हैप्पी। अंकल आपको मालूम है, ये रशिया का जो पुतिन है ना, उसके नातिन को दातून करवाने का है, क्योंकि मेरे खातून से बातून के दातून बहुत अच्छी चीज रहती है। मैं बेटे आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ? आपका मुंह बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन अगर घोड़े पे लगाओ अपने कान थोड़े से बड़े करके एक पूंछ लगवा लो, अरबी घोड़ी बोल के 12 लाख की मैं बेचूंगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, घोड़ा नहीं, ये मुंह गधे पे भी अच्छा लगेगा।
हालांकि गधे को नहीं अच्छा लगेगा पर देखिए हम यहाँ पे आपकी फालतू बातें सुनने नहीं आए हैं। एक मिनट पहले मुझे ये बताओ ये बच्ची अकेली यहाँ कैसे आ गई, इसके पेरेंट्स कहाँ है? अरे एक सेकंड, ये पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं है। तो फिर ये 11 बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे क्या करे बताओ मेरे को। अरे तो पेरेंट्स आए हैं, बच्चे तो घर पे छोड़ के आए हैं ना। ये कैसा अध्यक्ष बना रखा है, जो बंदा आज मीटिंग के लिए बच्चे छोड़ा है कल को ये बच्चों के लिए मीटिंग भी छोड़ सकता है। देखिए हम यहाँ पर पैसों की समस्या डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो तो आज इकट्ठा हुए हैं ना पैसों की समस्या के लिए। ये जो तू इतने सालों से इकट्ठा होके घूम रहा है, ये कौन सी समस्या थी पहले बता मेरे को। वैसे मुंह आपका भी बुरा नहीं है अगर उल्टा लगा हो तो, क्योंकि किसी जानवर के तो ये फिट आएगा नहीं। भाई ये क्या था? आपसे बहस करने से अच्छा है मेरी जवान ने ना ऊपर से कूद के जान दे दी। ये क्या था? मेरी आंखें भी कूद गई, कहती इतना गंदा मुंह कौन देखे। ये देखो गोंडा से एक लौंडा लिख रहा है, कहता है ये कैसा मुंह है इसको तुड़वा दो। बहराइच से एक बंदा लिख रहा है आप थू। यहाँ पर मुंह की मीटिंग नहीं मोहल्ले की मीटिंग चल रही है, हिसाब होगा, हिसाब दो। तू पहले हिसाब दे, तूने क्या किया सोसाइटी में? अरे क्या क्या मतलब, जब से वो बने हैं अध्यक्ष तब से सोसाइटी में दो दो बार पानी आता है। तो पानी उसकी धोती से आ रहा है, वो तो सरकार दे रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो पानी एक बार आए चलेगा, लेकिन दूसरे टाइम थोड़ा थोड़ा सोडा आना चाहिए और बीच में 5 मिनट के लिए अगर टूटी में से काजू निकल जाए दैट्स ऑल, मॉल बन जाएगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं अंकल, ये काजू कतरी मेरे को सूट नहीं करते, मेरे को एक मसाला पापड़ देना, उसके साथ काला नमक और एक ग्लास में चिल्ड 1 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को। ये सोसाइटी मीटिंग है, पूजा आनी बार नहीं है। वो सब तो ठीक है, ये पूजा कौन है बच्चा यादव? अरे हमारी दोस्त है, बस एक दोस्त है। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते जीजू। हो सकते हैं, पर मीत जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे फोन करते हैं जब भी अर्चना मैम शूटिंग पे जाती है, कहते डिनर चले। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो दाल साफ करना फिर, जब देखो बातें करती रहती है काम चोर कहीं की। गाइस मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है? इसको ना दूसरे वाले चैनल पे भेज दो। हाँ। हमारी टेंशन खत्म, उनकी चालू खत्म। मैं निकल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे निकाल दो ये मैं होने नहीं दूंगी। हमको मेंटेनेंस का पैसा चाहिए। कौन सी मेंटेनेंस? मोहल्ले में आज तक एक भी लिफ्ट नहीं लगाई तूने। अरे तो एक एक फ्लोर के घर के लिफ्ट कैसे लगा दे, ऐसे लगाएं लिफ्ट? तू लिफ्ट लगा के देख, लिफ्ट लगी होगी कोई ना कोई बिल्डिंग भी बना जाएगा, ऐसे नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है, दिल की बात जो जुबान बयां ना कर पाई, दिल की बात जो जुबान बयां ना कर पाई, आंखों ने सारा काम कर दिया। एक सेकंड, इसका लिफ्ट से क्या लेना देना? मैंने ये शेर उसको लिफ्ट में सुनाया था, मैंने जैसे रोमांटिक होकर उसका हाथ पकड़ा, मेरे को वॉचमैन की नौकरी से निकलवा दिया। प्यार में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है अर्चना साहब। जिस आदमी ने पहले खूब कहा था ना, उसने उसके बाद दोबारा खूब कहा है। वो कहता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और तैर के जाना है। एक मिनट, तैर के जाना नहीं अंकल, डूब के जाना रहता है। डूब के जाए तेरा बाप, मेरे को तैरना आता है। और तू जाड़ी है, मेरे को बता तू कहे की मैट्रेस हर जगह तूने मोहल्ले में लाइट लगा के रखी है। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, लाइट लगाई है। तेरे लिए अच्छी बात है बटन जैसे मुंह वाली, मेरे जैसे टीनेजर टाइप लोग कहां जाए। मेरे को 4 लड़कियां राइट स्वाइप कर चुकी थी। अच्छा। और लाइट की वजह से लेफ्ट कर गई वो। ये लाइट बड़ी प्रॉब्लम करती है अर्चना जी। आपको याद होगा परसों आप गोवर्धन रेस्टोरेंट मिली थी, एक बंदा मिला था आपका फैन, कहता मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आपने कहा इतने अच्छे फैन हो तो मेरा भाड़ा दे दो ऑटो का, आपने वो मैं ही हूँ। ऐसे ना मानना करें आप, लाइट का इतना सब पता है आपको, लेकिन सोसाइटी मेंटेनेंस का 4,000 रुपया देना ये नहीं पता, कौन देगा? वो लड़की तो नहीं देगी, बड़ी कंजूस है वो। हाँ तो लड़के भी तो कंजूस रहते हैं। इसकी बात मानो, क्योंकि इसको लड़का लड़की सबका सच पता है। हाँ, अच्छा मेरे को सबका सच पता है, तेरा सच सबको कब पता चलेगा बे? मेरा क्या, मैं तो एक खुली किताब हूँ। बस बहुत हुआ, अध्यक्ष है हम यहाँ के, कोई आवाज नहीं करेगा आप। मुझे ये अध्यक्ष पसंद नहीं आया। अरे मैं तुम्हें अध्यक्ष के पद से फ्लश करता हूँ। ये क्या था? ये फ्लश किया, अभी दादर में जाके निकलेगा।
ऐसे कैसे निकाल सकते हैं हमें? वोट डालकर हमें सिलेक्ट किया है, तभी हम अध्यक्ष बने हैं। वोटर बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको क्या पता वोट डाल के अध्यक्ष नहीं बनाना, बाल्टी डाल के कुआं बनाना तेरा। बकवास करता है। मैं देखो चुनाव दोबारा होंगे, मैं सवाल पूछूंगा, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। बच्चा यादव के साथ कौन कौन है? सिर्फ एक आदमी। मेरे साथ कौन कौन है? मैं जीत गया। मैं आज से सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। मैंने सीधे बंदे पीटने। अब मैं इसकी तरह कठोर नहीं हूँ। तुम लोग हर महीने मेरे को सिर्फ मात्र केवल सिर्फ 2.5 लाख रुपया देंगे। ये क्या मेंटेनेंस मांग रहे हैं कि फिरौती मांग रहे हैं? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? दोस्तों कब तक सोनी को लूटते रहेंगे? अब समय आ गया बाहर निकलने का, बाहर जाके दूसरे चैनलों को लूटे। वक्त आ गया है हम अपना गिरोह बड़ा करें। करते करते मैं तो कब से रेडी हूँ, चलो चलो दूसरे चैनलों को लूटते हैं। दीदी बस करो, और कितना लूटोगे दीदी? हर चैनल पे यही नजर रहती है। आपको मालूम है अर्चना जी, सीट पे कब्जा करने के लिए लोग रुमाल रख देते हैं, ये चैनल पे कब्जा करने के लिए अपना पति रख देती है। सच्ची में अभी अभी अपने पति को इंडियाज बेस्ट डांसर में छोड़ के आई लिए। पति तो इसके हम है। अरे तेरे को कितनी बार बोला है रे, हम लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं यहाँ पे, कितनी बार समझाया इसको, कोई अकल नहीं है। तभी इसको अध्यक्ष पद से निकाला है। अर्चना जी मेरे को तो डर है कि ये पद से अध्यक्ष ना निकाल दे। अरुणा जी आप अध्यक्ष बनके सोसाइटी के लिए क्या करेंगे बताएं? देखो मैं सोसाइटी के लिए सबसे पहले तो पर्सनल रफेल मंगवाऊंगा। क्या काय को रखी रे तूने सोसाइटी मीटिंग? इससे अच्छा कोई बंदूक रखता। मैं एक बंदा तो यहाँ पे कम कर देती। हम समझाते हैं अरोरा जी, एक जो अध्यक्ष होता है ना वो ऐसी हरकतें नहीं करता। अध्यक्ष अपनी सोसाइटी के लिए आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। माँ का दूध पिया तो हिंदी बोल, अफ्रीकन की बोल रहा है ये क्या है? उदारभूत हिंदी है, हिंदी है। ओहो हिंदी, लगता है इसके अंदर आशुतोष का राणा आ गया। ये क्या कर रहे हैं यार? ये सोनी साहब को कह के चुप चुप ना कराना तुम लोगों को, बहुत दख लेना है। अर्चना जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। आप पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ये सोफा पीछे से फाड़ के उसकी ड्रेस बनाने की क्या जरूरत थी? और प्लीज आप थोड़ा हाँ। एनीवेज अर्चना जी आपको पता है कहा जाता है कि जोड़ियां जो है ऊपर वाला बनाता है। बिल्कुल। फिर उन जब जोड़ियां बनाता है उस जोड़ी में से जो एक बंदा होता है उसकी दादागिरी चलने लगती है, दूसरे की पिटाई होती है, फिर जिसकी पिटाई होती है वो ऊपर वाले को बोलता है कि हे भगवान अगर तूने थोड़ा और टाइम ले लिया होता तो आज मेरे बुरे दिन ना आते। पर खैर छोड़ो, क्या बातें करनी परमीत सर की। आई मीन सॉरी, वो कभी कभी फोन करके दुखड़े अपने सुना देते, मैं क्या करूं। अच्छा। पर आपकी जोड़ी बड़ी प्यारी है मैम, दोनों कसम से। आज खूबसूरत जोड़ियों की बात चली है तो ऐसी एक खूबसूरत जोड़ी जो है वो यहाँ पे आ रही है। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर राइटर पोएट मिस्टर आशुतोष राणा और उनकी धर्म पत्नी जी वेरी टैलेंटेड मिसिज रेणुका शाहने। जोरदार तालियां। सर नमस्कार, मैम नमस्कार। जोरदार तालियां आशुतोष सर के लिए और रेणुका मैम के लिए। सर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर तो पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। हाँ। ये तीसरी बार है। हाँ, तीसरी बार। वाह, बड़ा भाग्यशाली हूँ। आशुतोष सर मतलब ऐसे ऐसे रोल किए ना इन्होंने, नेगेटिव किरदार में तो और डरा के रख देते हैं, लेकिन आज आपके साथ आए ना तो लग रहा है कि नहीं बंदा शरीफ है, परिवार वाला। शादीशुदा आदमी बीवी के साथ है तो बड़ा वैसे ही शरीफ हो जाता है। कितने शरीफ हो क्या अभी जाए? आपको भी अनुभव हो गया होगा कपिल। हाँ अभी क्या मेरे को इन्होंने याद दिलाया मैं शादीशुदा हूँ, मैं अगला सवाल ही भूल गया। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए सर।
मैम आज आपको देख के ना बड़ी खुशी हो रही है, मतलब सर को देख के भी खुशी हो रही है, पर सर से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है जी। मतलब मैं सोच रहा हूँ सुरभी जब आता था दूरदर्शन पे, 30 साल हो गए तकरीबन उस बात को जी, और हम आपके हैं कौन में जब हमने आपको देखा 26 साल हो गए, और इतनी प्यारी स्माइल है ना आपकी कसम से, आज भी अगर किसी को पता ना हो कि आपकी शादी हो चुकी, बंदा प्रपोज कर दे आपको। मैं इतनी प्यारी है आप, फिर आपको ऐसा बंदा कैसे पसंद आया जो साड़ी पहन के वो कर रहा था, मतलब सर एक तो मेरे पास बिठा दिया। नहीं, कई लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे घर में जैसे मैं चाय लेके जाती हूँ तो ये उठते ही साथ ये तो ना सर का जो है टैलेंट है। हाँ। नहीं तो आप अगर वैसे आशुतोष सर को देखो तो बड़ा धार्मिक सा फेस है, प्यारा फेस है, स्माइलिंग फेस है, लेकिन किरदार ऐसे ऐसे करते ना आप, मतलब बंदा डर जाता है। अगर आपको पर्सनली ना मिला हो तो वैसे कोई कहे कि ये वही आदमी जो ऐसे तो आदमी इनकी बिल्डिंग में घर ना ले। तो मैम हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि आशुतोष सर हैं कैसे, बिल्कुल शरीफ हैं, बिल्कुल थोड़े खूंखार हैं या जैसे पति होते हैं? नहीं, जिसके सामने खूंखार होना चाहिए उसके सामने खूंखार है, और जिसके सामने प्यार से पेश आना है उसके सामने बहुत ही प्यारे हैं। मतलब तो, आपको छोड़ के बाकी सबके सामने खूंखार ही हैं फिर ये? नहीं, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं भोले शंकर का भक्त हूँ, अरे वाह वाह, सेम हियर सर, मैं भोला भी हूँ और भाला भी हूँ। वाह, आज आपको देख के ना मेरे को सर इतनी, क्योंकि मैं सुर भी बहुत देखता था मैम, कुछ ज्ञान मिला, बहुत ज्ञान मिला। वो मतलब एक बार तो आपने हमारी यूनिवर्सिटी की फोटो दिखाई थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, और हम लोग इसी बात में बड़े खुश कि हमारी यूनिवर्सिटी की पिक्चर आई है उस शो में, और मैंने देखा उसमें लोग बड़ी चिट्ठियां लिखते थे आपको। बिल्कुल, और मुझे लगता है आप और सिद्धार्थ सर करते थे वो शो होस्ट जी, तो ज्यादातर चिट्ठियां तो आप ही को लिखते होंगे, सिद्धार्थ जी को तो कोई लिखता होगा। बेचारा सिद्धार्थ। मैं एक ऐसी चिट्ठी भी आई थी, अच्छा एक मेरे फैन थे जो हर हफ्ते चिट्ठी लिखा करते थे, अच्छा जी, और एक वक्त था जब उनको पढ़ाई के लिए कनाडा जाना था। हाँ। अच्छा तो जी। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि सावधान रेणुका जी, सिद्धार्थ जी से सावधान रहिए। अच्छा। मैं वापस आऊंगा कनाडा से। आशुतोष सर इतना अच्छा लिखते हैं, इन्होंने कभी आपको चिट्ठी नहीं लिखी कोई? चिट्ठी तो नहीं, लेकिन सारी चीजें जो वो लिखते हैं उनकी पहली श्रोता मैं ही हूँ। अच्छा, तो आप पास करती हैं, अगर आपने महा कर दिया तो पास है, नहीं तो नहीं, ऐसा? करेक्ट। बिल्कुल सर, ऐसा मतलब मैडम के साथ प्यार ज्यादा है कि आपको अपने आप पे एतबार नहीं है? नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि मुझे इनकी बुद्धि के ऊपर भरोसा ज्यादा है। वाह, स्मार्ट मैन। क्योंकि इतनी बुद्धिमान है, देखिए उन्होंने कितना अच्छा पति ढूंढा, ये कहना चाहते हैं आप? पर वैसे सर आपकी मुलाकात कैसे हुई थी रेणुका मैम से? एक हम शो करने वाले थे टेलीविजन के ऊपर, दुश्मन आके रिलीज ही हुई थी। अच्छा जी। और हमारी एक दोस्त थी राजेश्वरी सचदेव, एक्ट्रेस जी जी जी, और तेजस्विनी कोल्हापुरे जी। तो एक फिल्म बनी थी जयते, हंसल मेहता की पहली फिल्म थी। अच्छा जी। तो उसका ट्रायल था, प्रीव्यू था सुमित थिएटर में, तो हंसल ने हमें बुलाया, तो हमने राजेश्वरी और तेजस्विनी से कहा यार मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ, तुम चलोगी? उन्होंने कहा चलते हैं। तो हम वहां गए तो राजेश्वरी और रेणुका जी बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा जी। और मैं रेणुका जी का प्रशंसक था, मेरी एक दोस्त हैं शंपा शाह। अच्छा। भोपाल में रहती हैं, सिरेमिक आर्टिस्ट हैं। जब मैं मुंबई आया तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजा कि आशुतोष एक लड़की है रेणुका, कमाल की बारीक अभिनेत्री है और बारीक काम करती है, तुम उसका काम देखना। अच्छा जी। तो हम देखते थे, सैलाब उस समय आ रहा था, आता था, और फिर इनकी हम आपके हैं कौन भी आ गई थी जी, तो मैं इनके काम से मुतासिर था, बड़ा प्रभावित था, और मैं ये जानता था कि ये ब्रिलियंट अभिनेत्री हैं। तो जब इनसे मुलाकात हुई तो हम दोनों तकरीबन आधा घंटे तक आपस में बात करते रहे और काफ़ी हमारे विचार मिल रहे थे। तो बाहर निकले जब हम रात में, उस दिन इतवार था, तो मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ रहती हैं? तो बोली मैं दादर रहती हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलिए मैं आपको, आप कैसे जाएंगे? बोले मैं टैक्सी से जाऊँगी। अच्छा। मैंने कहा आपके पास कार नहीं है? बोले नहीं, इतवार होता है और इतवार पे हम अपने स्टाफ को भी छुट्टी देते हैं। वाह, और मैं चलाना नहीं जानती हूँ। तो हमने इनसे कहा कि मैं आपको छोड़ दूँ? तो इन्होंने हमसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं चेंबूर रहता हूँ। अच्छा। तो बोले मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, जन्म मेरा यहाँ पर हुआ है,
और मैंने आज तक कोई ऐसा रास्ता नहीं देखा जुहू से जो वाया दादर चेंबूर जाता हो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अपने रास्ते जाइए, मेरी आदत है और मैं चली जाऊंगी। और उसके बाद फिर रवि राय एक सीरियल हम लोगों के साथ करने वाले थे, तो रवि राय ने हमें बुलाया, तो हमने रवि से कहा दशहरा के दिन कि यार मुझे रेणुका जी का नंबर दीजिए, मैं उनको विश करना चाहता हूँ। दशहरा के दिन? दशहरा के दिन विश तो आप वैलेंटाइन पे करना चाहते हो, इंतजार नहीं हुआ, दशहरे पे कर दिया आपने। हाँ, क्योंकि अब ये सितंबर की बात है, अक्टूबर में दशहरा पड़ रहा था। हाँ। और हमने कहा ये विजयदशमी का पर्व है, वैसे भी नव दुर्गा का, तो नव दुर्गा को अगर आपको जीतना हो तो इससे उत्तम अवसर दूसरा नहीं है। तो क्योंकि रवि ने हमसे कहा कि देखो भैया आशुतोष, कि रात 10 बजे के बाद वो कोई फोन उठाती नहीं है, दूसरा अनजान फोन वो उठाती नहीं है, अच्छा, तीसरा उनके यहाँ आंसरिंग मशीन बजेगी, आप उसमें अपना नाम नंबर सब छोड़ना पड़ेगा, अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे। अच्छा जी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मैंने कहा यार ये ऐसी कौन सी, मतलब कोई हम कोई ऐसे हम सिर्फ विश करना चाहते हैं। बोले नहीं मैं तुमको सिर्फ उनके प्रोटोकॉल बता रहा हूँ। अच्छा जी। मैं भी रात 9 बजे के बाद कभी उनको फोन नहीं कर सकता, और वो उनकी मर्जी है कि वो उठाएं या ना उठाएं। वाह। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने इनको फोन किया एज यूजुअल, जो रवि ने मुझसे कहा था, आंसरिंग मशीन बजी, हमने उस पर अपना पता छोड़ा कि भाई मैं आशुतोष राणा बोल रहा हूँ और आपको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपना नंबर नहीं छोड़ा। हमने कहा हम क्यों छोड़े, नंबर छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप जबरदस्ती किसी को कर रहे हैं कि आप मुझे कॉल बैक करें। मैंने कहा अगर इनको करना होगा तो जैसे हमने पता किया है वैसे ये ढूंढ लेंगे। तो अगले दिन जब मैं पहुंचा तो हमारी बहन ने बताया कि रेणुका शाणे का फोन आया था, तुमने विश किया होगा उनको, तो उन्होंने कहा कि भाई राणा जी को बोल दीजिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने अगले दिन वापस इनको फोन किया कि आपने धन्यवाद दिया, इसका आपको बहुत धन्यवाद। तब भी आंसरिंग बजी। अगले दिन जब मैं वापस घर पहुंचा तो मुझे वापस बहन जी ने बताया कि रेणुका का फोन आया था, और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, उनको आप मेरा ये नंबर दे दीजिए और वो मुझसे सीधे बात कर। हमने कहा अब ये बात सही हो गई। अब ये लगा कि यार रवि ने कहा है कि रात 10 के बाद फोन मत करना, और मैं व्यक्ति हूँ जो रात 10 के बाद ही जागता हूँ। मैंने कहा अगर पहले दिन ही प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया तो जीवन भर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने रात 10:30 बजे इनको फोन किया कि थैंक यू सो मच रेणुका जी, और इन्होंने फोन उठाया। और उसके बाद तकरीबन 3 महीने हम फोन अ फ्रेंड खेलते रहे। अच्छा। हम मिले नहीं। और जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी। जी, जो उस वक्त लाइफलाइन थी हमारी, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद दिसंबर में मैं हैदराबाद में शूटिंग कर रहा था और रेणुका जी गोवा में शूटिंग कर रही थी। अच्छा जी। अब मन में ये तो लगे कि यार छोटे शहर के व्यक्ति हैं और इनकार लेने में बड़ी तकलीफ होती है, मन में तो प्यार है, तो मैंने कहा कैसे, अच्छा रेणुका जी और हमारे बीच में जमीन आसमान का अंतर है, कैसे, ये बड़े शहर के हैं जी, मैं बिल्कुल ठेठ देहाती व्यक्ति हूँ, ये इनको प्रोज पसंद है, मुझे कविताएं पसंद हुआ करती थी, तो इनको मैंने कविता सुनाई। अच्छा। रेणुका जी को, और वो कविता प्रश्नवाचक कविता थी, मैंने कहा इस कविता में अगर ये जवाब मिल गया वाह, तो मतलब कविता की कविता है, बात की बात है, और जवाब अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। मैंने इनको जो कविता सुनाई वो ये थी कि प्रिय लेखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, वाह, और कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, वाह, लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, वाह, कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, वाह, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार, वाह। तो रेणुका जी ने अब एक पॉज लिया और मुझसे कहा कि राणा जी आई थिंक आई एम इन लव विद यू। वाह। तो मन में तो अपार प्रसन्नता हुई कपिल, लेकिन देहाती नुस्खा ये कहता है
के व्यक्त नहीं करना चाहिए, उसको बहुत जज्ब करना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल अपने आप को जज्ब किया और मैंने कहा कि थैंक यू, आप लौट के आइए, फिर इस विषय पर बात कर। सर क्या बात है। फिर जो लौटी तो बस तब से लौट नहीं पाई है। तब से लौट नहीं पाई। बड़े गुन्ने आशिक निकले सर आप। बात सर ये कपिल एक्चुअली ये ना इनकी आदत ऐसी है कि जलेबी की तरह वो बोलते रहते हैं, बहुत मीठा बहुत मीठा। और मेरी ऐसी आदत है कि मैं फटाक से जो मन में है ऑनेस्टली बोल देती हूँ। थोड़ा सा महाराष्ट्रन इन्फ्लुएंस है वो। जी जी। पर यही होता है सर, वे तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बना के भेजता है। आप कहाँ जन्म हुआ, इनका कहाँ जन्म हुआ, कैसे मिले, फिल्म देखने आप गए थे, पीछे पड़ गए आप। होता है ना। नहीं लेकिन कितना अच्छा, अच्छा हुआ। इनकी मतलब इनकी जो इंट्रोडक्शन हुई तो ये आशुतोष राणा है, ये अभी अभी दुश्मन में आए हैं और मैंने दुश्मन देखी नहीं थी। थैंक गॉड। अगर देखती तो शायद कुछ मन बनता ना, डर लगता इनसे। बड़ा डराया था उसमें काजल। बहुत डराया था। तो लकीली मैंने देखी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि हाँ हाँ होंगे, मतलब आशुतोष राणा, मैंने उनका काम ही नहीं देखा था। तो डायरेक्टली हम जब डेट करने लगे ना, तब पहली शूट इनकी जो मैंने देखी वो संघर्ष थी। अच्छा, बड़ी बड़ी खूबसूरत दिखती थी। और वो उस वक्त वो कह रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा क्या। What a love story, what a beautiful romance and love story. बहुत यूनिक, बहुत यूनिक। हाँ, एक इनकी स्टोरी है, हाथ मरोड़ के शादी की पति का। आज तक उनके यहाँ पे कूनी का निशान है प्रवीण सर के। अरे सीरियसली, वो कहते कुछ भी। बता दो, सीरियस अपार्ट, नॉट जोक। अब किसी और की पीठ पर मेरी कोहनी का निशान होने वाला है फिर बहुत जल्दी। हम मेरे लिखा भी था, पंडित ने कहा था तेरी मौत किसी औरत के हाथों होगी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपका तो बात बात हो गई कि एक दूसरे से मोहब्बत है, सब स्वीकार कर लिया एक दूसरे ने, फिर जब आप इनके घर वालों से मिले तो वो इजीली मान गए थे या उन्होंने कहा था कि जब तक चाय बन रही दो चार कविताएं पहले आप दिखाइए हमें, तो हम पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे। नहीं, जो आई हैं उन्होंने इनकी परवरिश इतनी अच्छे से की है कि उनका ये कहना था कि मुझे इनके घर का नाम उमा है। अच्छा जी। हाँ। तो बोले उमा के डिसीजन पर, उसके निर्णय पर मुझे पूरा विश्वास है, वो बहुत होश हवास में सारे फैसले लेती है, तो अगर उसने तुम्हें चुना है तो फिर तुम्हारे ऊपर विचार करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ये विश्वास थोड़ा डगमगाया था। अच्छा जी। शादी के एक दिन पहले ही जब मैंने सुनी एक कहानी की, शादी के एक दिन पहले आशुतोष सर के दोस्तों ने कुछ ऐसे किस्से बताए कि आपने मेहंदी वाली को रोक दिया था कि रुको रुको अभी। अभी उसने ए ही लिखा था तो कहती रुको अभी, मेरे को कुछ नई बातें पता चली। वो क्या बातें थी रेणुका मैम? नहीं, एआर तो लिख चुकी थी मैं। अच्छा। तब तक रंग भी ला चुकी थी मेहंदी। अच्छा। और हम मतलब ट्रेन से सफर कर रहे थे सभी, मतलब मेरे घर वाले भी, इनके कई दोस्त सब साथ में जा रहे थे ट्रेन में। अच्छा जी। तो रास्ते में एक से बढ़कर एक किस्से थे, और पहले तो बहुत मतलब अच्छे वाले कि इनकी बुद्धिमानी के, और इनकी मतलब कैसे दोस्त इकट्ठा करते हैं और कैसे इनका कमरा बड़ा जागृत रहता था और वगैरह, वो सब तो बहुत अच्छा था। आई और बाबा दोनों की, अरे वाह क्या दामाद पाया है, वाह वाह वाह। उसके बाद फिर इनके परम मित्र हैं पदम सिंह ठाकुर। अच्छा जी। तो उनसे रहा नहीं गया कि ये कोई किस्से हैं, मतलब ये तो आम किस्से हैं ना। तो उन्होंने कहा और एक दिन जो बंदूक आपने तालनी थी, ओ, ओ, तो आपने जंजीर नहीं खींची ट्रेन की। मतलब मेरा मन ही था, क्योंकि एक हाथ आई ने मेरे हाथ पे रखा था और वो बेचारी मतलब एक्चुअली घबरा गई थी। और उन्होंने मराठी में मुझसे पूछा कतरते स्वर में कि उमा तुला खरच याच्याशी लग्न करायचंय का? अजूनही वेळ आहे, तब भी वक्त है, सोच लो। जब जब आप पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हुआ करता। अच्छा जी। तो उस समय ये बड़ी आम बातें हुआ करती थी, और चूंकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होते हैं तो आपको कई किस्म की मानसिकताओं के साथ आपको सामना करना पड़ता है जी। तो उस हिसाब की बात थी। पर मैं कहूँ, हो सकता ना अपने दोस्त को खुद ही बुलाओ कि एक डराने वाली बात बोल दे मेरी तरफ से, ताकि ससुराल में भी सब ठीक रहे भाई। सारा अच्छा अच्छा नहीं जाना चाहिए ना एक आध लाइन।
अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पता है ये बहुत सारे लोगों को कि रेणुका जी की जो मम्मी जी हैं शांता गोखले जी, वो जानी मानी राइटर हैं, इनके भाई जो हैं वो भी राइटर हैं और आशुतोष सर तो लिखते हैं, ये सबको पता है। तो सर ये आप ससुराल के दबाव में आके राइटर बने थे या मतलब पहले से लिखते थे आप? नहीं, मैं लिखता पहले से था, लेकिन पहले स्वंता सुखाय लिखता था। वो क्या होता सर? मतलब खुद के सुख के लिए। अच्छा, वो शब्द बड़ा मजेदार था सर, क्या स्वंता सुखाय? लेकिन ये भी अचानक घटित हुआ कि छोटी छोटी कहानियां मैं लिखता था, तो प्रभात प्रकाशन ने हमारी उन कहानियों को पढ़ा जो व्यंग थे, सटायर्स थे, तो उन्होंने कहा सर इनको तो किताब के रूप में आना चाहिए। तो मौन मुस्कान की मार नाम की एक पहली किताब 2018 में हमारी आई और जो लकीली बेस्ट सेलर हो गई, और उसके बाद राम राज्य को तो आपने इंट्रोड्यूस किया ही था। बिल्कुल सर। और एक ना मुझे सर अभी मेरे हमारे मित्र हैं टीम में, उन्होंने एक आपकी चार पंक्तियां सुनाई थी जो आजकल के माहौल के ऊपर, देश चलता नहीं मचलता है, वाह, और मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है, वाह वाह क्या बात है, जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, वाह आज तेरी तो कल मेरी बारी, मेरी बारी। लिखने विखने की बातें हो रही हैं सर, की लेखकी की बातें हो रही, तो यहाँ पे रेणुका जी एक शख्स हुआ करते थे, उनको बड़ा लिखने का शौक था। अच्छा किसकी बात हो रही है, क्या बोला? बस ऐसे ही अपनी मन के विचार शायरी में लिख के पढ़ते रहते थे। अरे वाह। हाँ, उसके बाद फिर अर्चना जी आई, इनको पढ़ने का शौक है। हाँ, लिखती ये तभी है जिस दिन इनका चेक लिट हो जाए ना, उसके बाद ये फिर प्रोडक्शन वालों को ऐसे ऐसे मैसेज लिखती है ना, वो भी कहते हैं मैडम ये मुगल कालीन गालियां हमने पहली बार सुनी है। अच्छा आज तो सर, आजकल तो ना गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया लॉकडाउन के चलते ना कि शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, लेकिन हमने आपका एक किस्सा सुना कि जब आप रेणुका जी को ब्याह के अपने गांव गए तो हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो गांव में पहली बार शादी हुई थी सर के इतनी खूबसूरत बहू पहली बार गई थी गांव में, क्या किस्सा था सर उसके पीछे? जैसे आपने अभी बताया कि रेणुका जी की जो चिट्ठियां आती थी, फैन मेल आती थी, लाखों की संख्या में आते थे। बिल्कुल। तो जब एक इतने मिकदार की और इतने बड़े किरदार की बहू अगर उस शहर की बहू बने तो निश्चित रूप से उसका स्वागत तो लोग बिचकर करते हैं। क्या बात है। तो ये हर हर जगह ये बैनर्स लगाए गए थे, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई, बाबा राम जी जोड़ी क्या बनाई, क्या बात है। सर हमने एक और चीज सुनी आज तो सर आपके बारे में कि जब आप काम पे जाते हैं और फिर शाम को घर वापस आते हैं तो आप पूरे दिन में क्या क्या हुआ ये सारा रेणुका मैम को बताते हैं, तो ये आपकी मोहब्बत है या कॉन्ट्रैक्ट था आपका? मेरा ये मानना है कि दुनिया का हर पति ये मान के चलता है, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। पर कपिल जी, मुझे सबसे अच्छा मंत्र शादी का मेरे ससुर जी ने दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि शादी का एक ही मंत्र है, वो याद रखना, फर्स्ट ओबे देन आर्ग्यू। उनका भी खुद का एक्सपीरियंस रहा होगा ना। सबके अपने एक्सपीरियंस दिए रहते हैं। वैसे बहुत कीमती एडवाइस है यार। हाँ, आई शुड फॉलो दिस ऑल्सो। आपके ऊपर नहीं पलाई होती। क्यों? आप तो सीधा आर्ग्यू करो, कोई चक्कर नहीं, इतने सालों से चल रहा है, आज तक पंगा हुआ कोई? ये तो परमीत सर के लिए एडवाइस है कि फर्स्ट ओबे एंड देन कंटिन्यू इट। Don't ever dare to argue with Archana ji. पर मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ। Archana ji है बड़ी खुंखार प्यारी। अच्छा रेणुका मैम महाराष्ट्रियन है तो मराठी बहुत अच्छी बोलती है और हिंदी भी इतनी अच्छी बोलती हैं। और सर की हिंदी सुने तो लगता है शुरू ही इन्होंने की हिंदी। मैम आपने कभी आशुतोष सर को मराठी सिखाने की कोशिश की या आपने रखा हुआ है संभाल के कि नहीं 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 लड़ाई होगी तो मैं अपनी मराठी में अपना गुस्सा निकालूंगी? नहीं, मैंने सिखाने की कोशिश नहीं की, हालांकि मैं घर पे मराठी बोलती हूँ, अपने बच्चों के साथ मराठी में बात करती हूँ। अच्छा, बच्चे आपने तैयार कर लिए अपने फेवर में? मराठी में तैयार कर लिए। तो इनको थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत ज्यादा नहीं सिखा पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं टीचर बड़ी अच्छी नहीं हूँ ऐसा मुझे लगने लगा है। पर ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये सीख गए हैं कि जितना अपने काम का उतना समझ जाओ, जो नहीं है बोलो माला समझला ना ही। मैम आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया मैंने सुना जी। तो मैम एक क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, कुछ पतियों के भी सवाल थे कि
कि जो पति पहले बॉयफ्रेंड होता है शादी के बाद उसकी साइकोलॉजी में क्या कमी मतलब चेंजेस क्या आते हैं? नहीं, पतियों के कोई चेंज नहीं आता, वो बॉयफ्रेंड मतलब वो बैचलर ही रहता है। अच्छा जी। पत्नियों में फर्क आता है, वो माँ बनती हैं, वो मतलब किसी की बहू बनती हैं, तो बहुत सारे रोल्स उनको बनते तो हम भी हैं पर बोल नहीं सकते। आप माँ बनती तो ये बाप बनते हैं तो है ना, मिक्स ही है। अगर आप बहू बनी तो ये भी किसी के दामाद बने। तो यही सवाल मेरा आपसे भी है सर कि दुनिया में कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो पत्नी की साइकोलॉजी समझ सके या ये अफवाहें हैं? मुझे लगता है कपिल के सुखी जीवन का रहस्य जो है जी वो सिर्फ यही है कि एक समय में आपको ये लगना चाहिए कि आप पूरा समझते हैं और उसी समय आपको ये लगना चाहिए कि आप बिल्कुल नहीं समझते हैं। बहुत गहरा है। बहुत गहरी बात है। आप विश्वास कीजिए क्योंकि मैरिज इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। और हम और आप क्या करते हैं कि हम तुरंत बदलने की दिशा में बढ़ जाते हैं कि जैसे बॉयफ्रेंड हस्बैंड बना या जैसे गर्लफ्रेंड वाइफ बनी तो हम उसको बदलने की दिशा में लग जाते हैं। जबकि वो बदलने का विषय नहीं होता, वो बढ़ने का विषय होता है, वो एक दूसरे के साथ परिवर्तन का विषय होता है। वाह सर, ये किसने सिखाई है आपको बातें? सर मुझे जो विचार मिले हैं वो मुझे मेरी माँ से मिले हैं और जो साहस मिला है वो मेरे पिता से मिला है। क्या बात। और जीवन में अगर आपको एक अच्छी पत्नी मिल जाए तो वो जिंदगी के तूफान में वो बंदरगाह के जैसी होती है, और अगर कठिन स्त्री मिल जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी। मैं तो कहता अर्चना जी ये एपिसोड अगर किसी अंग्रेज को दिखा दो ना जिनको नहीं पता है कि एक्टर्स हैं, वो कहेगा भगवान पहन के आ गए जैकेट वैकेट। इतनी मतलब हृदय प्रफुल्लित हो गया मेरा। क्या आज तो हिंदी पर हिंदी निकल रही है इसकी। प्रफुल्लित हृदय, इनका एक कमरा है जहाँ पर ये सोचते हैं, लिखते हैं, विचार उनका चलता रहता है, तो हमारे बच्चे उस कमरे को आश्रम कहते हैं। वाह सर, हमारी टीम को जब हमने बताया सबको कि आप और मैम साथ में आ रहे हैं तो सबके अपने अपने सवाल थे, तो बोलते थे कि आपसे उनके बिहाफ पे पूछे जाए। अच्छा, ये कुछ सवाल है। सबसे पहले तो ये करंट टाइम का सवाल है मैम कि लॉकडाउन में आपको ज्यादा तंग किन्होंने किया, बच्चों ने या साहब ने? नहीं, सबको तंग मैंने ही किया। अच्छा। है? कैसे? क्योंकि डिसिप्लिन्ड हूं ना। अच्छा। ओके, दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आहा। दोनों में से गुस्सा किसको जल्दी आता है? मैं बोलूंगी तो इनको गुस्सा आ जाएगा। वाह क्या जवाब दिया। वाह 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 क्या बात है। अच्छा, खाने में घर पे क्या बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? नहीं, डिसाइड तो मैं ही करती हूँ, लेकिन पसंद का इनके बनता है। अच्छा। हाँ, इनके और बच्चों के पसंद का बनता है। अच्छा, टीवी पे किसकी पसंद के चैनल चलते हैं? हमारे यहाँ वैसे टीवी चलता ही नहीं है। अच्छा। और अगर चलता है तो फिर वो बच्चों की पसंद का होता है, लेकिन कपिल शर्मा शो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज तो कपिल शर्मा शो है। आपका शो है ये बात। ओके, बड़ी कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं लोग। कहते सोते समय खराटे कौन मारता है? दोनों। ये तो मैं आपको एक बता दूं किस्सा, मतलब ये किसी भी लड़की को ये कहना कि तुम स्नोर करती हो या तुम खर्राटे मारती हो, एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ा जो इन्होंने कहा, क्योंकि ये निशाचर हैं। अच्छा। मतलब रात में ही जगते हैं। जगते हैं जी। हाँ, और मैं तो 10, 10:30, 11 बजे तक मेरी तो बत्ती गुल हो जाती है, मैं तो सो जाती हूँ। तो इनको ज्यादा इसके बारे में मालूम है कि मैं कराटे मारती हूँ कि नहीं। ये तो मारते ही हैं, ये तो सुबह सुबह पता ही चलता है। मतलब एक बार तो बच्चा डर गया था, उनको लगा खूंखार शेर आ गया था। तो मैंने इनसे कहा कि मैं इतना खर्राटे मारती हूँ तो मात्रा थोड़ी सी कम होगी ना। तो इन्होंने एक बार रिकॉर्ड किया और मुझे सुनाया, तो मुझे सच में आश्चर्य हुआ कि ये मैं। बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी से जवाब देने के लिए।
नमस्कार नमस्कार। अरे वाह यार, ये देखो आज तो कुशल दंपत्ति आए हैं यार। ओहो, आप लोगों को देख के ना हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया, हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। क्या बात है। वैसे रेणुका जी, सबसे पहले आपको तो हम साष्टांग प्रणाम करना चाहेंगे। ऐसा क्यों? किस बात? इसलिए हाँ। क्योंकि जिस विलन के सामने बड़े से बड़ा हीरो चुप हो जाता है, उनको आपने शांत करके अपने बगल में बैठा रखा। हाँ हाँ। क्या बात है सर। लेकिन आप लोगों से एक बात जानना चाहेंगे, जब पहली बार आप लोगों का मुलाकात हुआ था, तभी आपको कॉफी पे लेके गए थे कि अड्डे पे? एक और पूछना चाहेंगे, जब इन्होंने आपको प्रपोज किया तो हाथ मांगा था कि हफ्ता मांगा था? निकालो। नहीं, पूरा जन्म मांगा था। अरे हफ्ता नहीं, जन्म मांगा। बात तो बहुत कर, चल भाग, अगर भाग सकता है तो, नहीं तो रेंग के जा। चल आ जाता है मेहमानों को परेशान करने। परेशान नहीं कर रहे हैं वो, परेशान कर रहे हैं क्या? फैन है हम यार, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हम आपके कौन 13 बार फिल्म हमने देखी, उसमें आपका दिखता ना दिखता ना दिखता ना ताना दिखता ना। ओहो हो, आपको सच बताएं, आपको पता नहीं होगा, आपका दिखता ना देख के मोनिश भी बहल गए थे। और ये आपकी फिल्म देख के फैल गया था। आपको पता है छाती के बाद सारा इलीगल है। अरे रुको यार, शांत रहो, गेस्ट आए हैं, उनसे जरा रूबरू होने दो, गेस्ट के साथ थोड़ा गुफ्तगू करने दो, गेस्ट के साथ थोड़ा करने दो। सर, लेकिन मानना पड़ेगा सर, आपकी हिंदी इतनी उत्कृष्ट है, इतनी प्रभावशाली है कि उससे प्रभावित होकर हम आपके लिए एक माला लाए हैं। ये कैसी माला है? ये वर्ण माला है, हिंदी प्रेमी को यही लगती है। सच बता रहे अर्चना जी, ये तो इतने प्रेमी है हिंदी के, अपने घर से निकलते हैं ना तो कार लेके नहीं जाते, ये अलंकार लेके जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी जब लॉकडाउन हुआ, इतने मोर आए थे फिल्म सिटी में, उनके साथ वापस क्यों नहीं चला गया? अब मोर के साथ आम आदमी हैंग आउट नहीं कर सकता। वैसे आप भी एक कैसे विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कपिल सर। अपने इन शब्दों को ना जरा विराम चिन्ह दीजिए, ताकि एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को वचनबद्ध कर सके। आई बात समझ में? ओ हिंदी के शशि थरूर, आज किसी कवि की धोती तो नहीं पहना है तू? बड़े तू बड़ी बड़ी भारी भरकम शब्द यूज कर रहा है। संगत का असर है ब्रो, होता है। सर आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे, लौपत गामनी गमन आगमन सूचक रक्त हरित लौपटिका के नतमस्तक करने के पश्चात लौपत गामनी के गमन न करने के क्या कारण है? Oh my God! वाह 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 वाह, क्या कहा? ये सर अपने स्कूल के दिनों में रटा था, इसके लिए आप आए हैं तो आपके सामने सोचा सवाल पेल देते हैं, वरना ऐसा कुछ खाली पूछने में मजा आया, क्योंकि आप ही समझेंगे, पता नहीं और कौन समझेगा, क्योंकि हम खुद ही नहीं समझे। लेकिन सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, हमने सुना है कि आप अपने दिनों में ऐसे रामलीला में रावण बनते थे, फिर तो 10 गुना पैसे कमाते होंगे आप। 10 गुना क्यों? क्यों पर हेड मिलता होगा ना। सर हमारा ऐसा हास्य विनोद चलता रहता है, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा, साथ साथ में अगर 501 का लिफाफा भी दे देंगे तो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो आशीर्वाद है ना ज्यादा काम नहीं आता, 501 बहुत काम आता है। वैसे सर आपकी सारी फिल्में देखी हमने, सारी की सारी। आप कर्ज में थे ना? हाँ हम भी कर्ज में थे। कब कर्ज में था? अरे लॉकडाउन में शो बंद हुआ ब्रो, हम कर्ज में ही थे तब। और इस कर्ज से कैसे बाहर निकले हैं हमारा पड़ोसी जानता है। पड़ोसी कैसे जानता है? अरे वही तो खाना सप्लाई करता था हमें। हाँ फिर ये इतना खा गया कि पड़ोसी कर्ज में आ गया। पड़ोसी कर्ज में कैसे हो सकता है? अभी तो बताया कि आशुतोष जी कर्ज में थे, क्या कर रहे हो ब्रो? बच्चा तू करने क्या आया यहाँ पे? हम यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रंप पम पम करने आए, करवाओगे? यार ना आनी ना जाने में मुकेश अंबानी भी ऐसे पीछे पड़े रहते हैं पार्टी के यार। Oh my God! Oh!
अरे भाभी क्या बात, किसके स्कूटर का हैंडल लगा के आ गई हो? ये क्या बनाई चुटिया? बता दूं? बताओ बताओ। वो रोमांस करते करते ना हमारे 11 बच्चे हो गए, घर में कपड़े सुखाने के लिए जगह ही नहीं बची, इसमें मैं बच्चों के लंगोट सुखाती हूँ। क्योंकि आधी धोती तो पूरी जगह घर की ये ले लेती है और फिर भी धोती सूखती नहीं है। ये वाला जो हिस्सा ना धोती का, वो जनवरी से मार्च में सुखाते हैं, वो वाला हिस्सा हम मार्च से जुलाई में सुखाते हैं, और ये वाला हिस्सा ना धोती का जुलाई से नवंबर तक सुखाते हैं। तो दिसंबर में क्या करते हो फिर? धोती उठानी भी तो होती है। रेणुका जी मैं सच्ची बताऊं, मेरा पूरा साल धोती में चला जाता है। दीदी जीजू, दीदी ए हमारे दीदी जीजू कहाँ से हो गए वो? आपने देखा ही हुआ, हम आपके गोण में माधुरी दीक्षित की बहन बनी थी है। मैं कौन सा माधुरी से कम हूँ? कहाँ माधुरी दीक्षित, कहाँ ये जरूरत से ज्यादा विकसित। चुप रहो, मुझे गेट्स के साथ बात करने दो। रेणुका मैम मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। आप सर्कस में शाहरुख खान जी के साथ थी ना? बिल्कुल। देखो वो भी आज स्टार है, आप भी स्टार है, मैं भी इनके साथ सर्कस में थी। ये देखो आज ये भी यहाँ है और मैं भी यहाँ। तो ये भी ऐसे यहाँ नहीं पहुंची हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचने वाले सिद्धू जी को हटा के यहाँ पर। ओए चलो अभी बहुत तंग कर दिया तुमने, चलो निकलो यहाँ से। उबले हुए पेंगुइन कहीं क्या? देवर जी खबरदार, आपने मेरे पेंगुइन को उबला हुआ कहा तो ये जैसे भी हैं मेरे पति पेंगुएश्वर हैं। मैं हूँ आपके साथ। तो अच्छी बात है यार, मेहमानों के बारे में तुम कुछ जानती भी? तुम जाओ यार छोड़ो। मैं उनकी फैन हूँ बच्चा जी, मैंने सब सर्च की हुई है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपने फिल्म बनाई है ना उसमें क्या अच्छे अच्छे सीन बनाए हैं। एक कोरोना का वैक्सीन ही बना देती है। डॉक्टर थोड़ी ना है, वैक्सीन कैसे बनाएंगे यार, कलाकारा है, डायरेक्टर है, मराठी में एक अच्छी सी फिल्म बनाई है। हाँ तो वैक्सीन मराठी में बना देते, हम मिसल पाव के साथ खा लेते हैं। अच्छा है लेकिन। कैसे आशुतोष जी आप हंसते हुए बड़े क्यूट लगते हैं। अच्छा। मैं आपको एक बात भी बताना चाहती हूँ, आप ना पहले मेरा क्रश हुआ करते थे। हाँ। फिर मैंने आपकी संघर्ष देखी, मेरा विचार ही बदल गया। क्यों? मैंने सोचा जो बंदा खुद को साड़ी में देखे ऐसे कर सकते हैं, मुझे साड़ी में देख के पता नहीं क्या करेंगे। चलो ये तो अच्छा है इन्होंने तुम्हें नहीं देखा, वरना हमारी और तुम्हारी शादी कैसे होती। हमें कौन सा शादी करके राजकुमार मिल गया है, है? कहां हमने सपना देखा था आशुतोष राणा का, और कहां हमको क्या मिला, राणा मटूंगा। तो हमने भी सपना देखा था सुंदर महिला का, हमें क्या मिला, महिला जयवर्धन है। ज्यादा बकवास की ना तो यहीं पर आपका अट्टा पट्टू कर दूंगी। सुनो मेरी बात सुनो, कहीं आपस में टकरा के इधर आग ना लगा देना। चलो जाओ। मैंने नहीं जाना देवर जी, ये जब देखो मुझे ऐसी बातें सुनाते रहते हैं, क्या कमी है मेरे में आशुतोष जी, क्या कमी है मुझ में है? नहीं, सब... कोई नहीं, कोई कमी नहीं है, जो कुछ है जरूरत से ज्यादा ही है। आपको हम सच बताते हैं, अभी दो दिन पहले हमने इससे कहा कि दूध थोड़ा ज्यादा है घर में, इसको फाड़ के पनीर बना दो, ब्लेड लेकर आई, ब्लेड से वो दूध फाड़ रही है, दूध फाड़ रही है। अच्छा अब एक लीटर दूध फाड़ने के लिए तलवार चला दे हम। आए बड़े ऐसी बातें तो करते हैं, रोमांस नाम की तो इस बंदे में कोई चीज ही नहीं है। अच्छा हम में रोमांस नहीं है? अरे नहाते हुए कौन मांगता है तुमसे साबुन। साबुन में कौन सा रोमांस होता है? जॉइंट फैमिली में समझिए यही रोमांस होता है। इशारों को समझो। तो ये इशारे अपनी माँ को भी समझाने थे। आए बड़े साबुन ये मुझसे मांगते थे, लेकर इनकी माँ चली जाती थी। टावल मैं मांगती थी, लेकर इनकी माँ आ जाती थी। इससे अच्छा तो लोग पत्थरों के पीछे ज्यादा रोमांस कर लेते हैं, जो हम घर में भी नहीं कर पाए। लेकिन रेणुका जी हम पत्थरों के पीछे भी गए थे रोमांस करने, वहाँ पे हमने नारियल पानी मंगाया, पता कौन लेकर आया? इनकी माँ। नहीं नहीं इनका बाप, ससुर जी का नारियल पानी का काम है ना। तभी तो ऐसा स्ट्रो वाला नारियल पैदा किया है उन्होंने। देवर
कि जब भी लास्ट एपिसोड होगा ना आपने मुझे बताना है, मैंने ये फोड़ के देखना है कि गिरी वाला है या सूखा। अशतोष जी ये बड़े अनरोमांटिक है पता, इन्होंने शादी से पहले मुझे एक गिफ्ट नहीं दिया इस बंदे ने। शादी से पहले तो मैं जानते ही नहीं था, तो गिफ्ट कैसे देंगे? अच्छा जिनसे मैं गिफ्ट खरीदती थी वो भी नहीं मुझे जानते थे? खरीदती थी ना, पैसा देते तो गिफ्ट देते थे ना। तो भैया जी आप ही पैसे ले लेते। पर हमारा गिफ्टों का काम ही नहीं था यार। तो ऐसे कहिए ना कि आपका गिफ्ट का काम नहीं था, ये मत कहिए कि आप मुझे जानते नहीं थे। ये देख रहे हैं आप, पता नहीं किस घड़ी में इससे शादी कर ली। घड़ी मैंने मंडप में की थी शादी। ऐसी औरत से शादी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। हमारा भी तो भाग्य फूटा है, आए बड़े। आशुतोष जी आपको बात बतानी है, ये बहुत ज्यादा गंदे हैं पता, ये अकेले में ना छुप छुप के बर्फ चूसते हैं। अरे तो हमें भूख लगी थी तो बर्फ चूस रहे थे और क्या करें फिर? भूख लगी थी तो मुझे कहते मैं सब्जियां दे देती, सब्जियां चूस लेते। ये नहीं कि सब्जी बना देती। सब्जी बना देती तो चूसते कैसे? रेनुका जी इनको देख के बच्चे भी बिगड़ गए, वो भी अंगूठा चूसने लग गए। बच्चे अंगूठा चूसते ही हैं। तो आप चूसो ना अंगूठा फिर, बर्फ क्यों चूसते हो? ये आप फटने वाले हैं, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं निकल रही हूँ। नहीं नहीं काश हम ऐसे पति पत्नी होते। तो आपके भी 11 बच्चे होते। अच्छा हमने कहीं इंटरव्यू में सुना था कि सर कह रहे थे कि ये जो भी कविता लिखते हैं उसके लिए ऐसे कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करते, फोन पे ही लिख लेते हैं। बल्कि उन्होंने अपनी किताब भी जो है फोन पे लिखी थी। बिल्कुल। कभी आपने चेक किया है कि ये अपनी किताब लिख रहे थे या किसी की किताब पढ़ रहे थे? ऐसा कभी होता? कभी आपने ऐसे फोन पढ़ा हो तो वैसे चेक कर लिया? मतलब अर्चना जी का सवाल था। मैंने कभी नहीं चेक किया। ये आश्चर्य की बात है कपिल, सच में मैंने इनका फोन कभी चेक नहीं किया है, ना तो मुझे इनका कुछ पासवर्ड वासवर्ड है क्या आपका फोन पे? बताइए। देखिए सर हमारा काम ही है रिश्तों में दरार डालना। सर मैंने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना था कि आप जब दुश्मन फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद आप दिलीप साहब से मिलने गए थे। जी। तो क्या कहा था सर उन्होंने आपसे फिर? दिलीप साहब, और ये बहुत अच्छा हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हो गई, मैंने उनको चरण स्पर्श किया, हमारे लिए तो ये एक अद्भुत बात थी। और ये लगता था कि जैसे कि कॉमिक बुक में से कोई एक सुपर हीरो निकल के आता है। उन्होंने पीठ पे हाथ रखा और बोले बरखुरदार मैं तुम्हारे काम से बहुत मुतासर हूँ। वाह। अब ये सुन के तो मतलब मुझे लगा कि ये मुझे जानते भी हैं। वाह। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बोले कि मैं आपको कुछ सलाहियत देना चाहता हूँ। बोले कि एक तरफ आइए, और ले गए मुझे और मुझसे कहते हैं कि बरखुरदार याद रखना कि चाहे तुम हो या मैं, हम सब खिलौने बेचने वाले लोग हैं। वाह। और हम सब की टोकरी में एक निश्चित संख्या के खिलौने हैं, तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने खिलौनों को 5 साल में बेच दो या तुम अपने खिलौनों को 50 साल तक बेच दो। बोले मैं दिलीप कुमार हूं और मुझे फिल्मों में 50 साल हो गए और मैंने अभी तक मात्र 55 फिल्में की हैं। वाह क्या बात है। तो बोले ये याद से और बहुत खबर से अपने खिलौनों को धीरे धीरे बेचना, तुम लंबे जाओगे, क्योंकि महत्व इस बात का है कि दुकान कितने समय तक खुली रहती है। बोले द बिगेस्ट पावर इज नॉट वांटिंग पावर। जब तुम्हारे अंदर टेबल पर पैसा देखकर फिल्म इंकार करने का रुतबा आ जाए तो समझना कि तुम बहुत पावरफुल हो। क्या बात है। अच्छा आज आशीष सर और रेणुका मैम यहाँ बैठी हैं, ये मल्टी टैलेंटेड हैं। आशीष सर एक्टर हैं और लिखते भी बड़ा अच्छा है, पोइट्री भी करते हैं। रेणुका मैम गाती बड़ा अच्छा है। बहुत बढ़िया, मैंने सुना बहुत अच्छा। कुछ हो जाए लोगों को मजा आ जाएगा मैम आपकी आवाज में कुछ सुन के। चलिए जब पहली बार मैं इनसे मिली तो संघर्ष के सेट पे मिली, तो संघर्ष फिल्म का ही गाना पेश करते हैं। क्या बात क्या बात क्या बात है। ये बड़ी एक्चुअली कुछ चीजें ना जो इतने लंबे समय तक याद रहती हैं आपको, और एक्चुअली जो फिल्में हम बनाते हैं जिसका हम हिस्सा हैं वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। बिल्कुल मैम।
लोगों को कितना कुछ देती हैं। बिल्कुल मैम। फिल्में अभिनेता या हम और आप जो होते हैं, ये परिस्थिति भले ही ना बदल पाए लेकिन मनस्थिति बदलने में सक्षम। वाह, क्या बात। और ये कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाह। तो सर ऐसा होता है कभी कभी अफवाहें बड़ी उड़ती हैं। जी। तो कुछ अफवाहें आई हैं सर। अब जो देखिए, जो चीज मैं उठा के पढ़ता हूँ इसका मतलब वो मेरी नहीं है, वो जनता की तरफ से आई है और इनको हम प्यार से जनता कहते हैं। मेरे कंधे तो अफवाहें ये हैं, आशुतोष सर ने एक फिल्म में साड़ी पहनी थी जो बड़ी यादगार करेक्टर है, तो अफवाह ये है कि रेणुका मैम से भी जल्दी साड़ी आशुतोष सर पहन लेते हैं। तो इज इट ट्रू और र्यूमर? नहीं, इट इज ट्रू। रियली? इसलिए इसको सत्य मानती हूँ क्योंकि हम कैसे दिख रहे हैं साड़ी में, इसको सवारने में हमको टाइम लगता है। हाँ। इनको कोई पड़ी नहीं होती है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। कैसे भी। रेणुका मैम, आपके बारे में ये फायदा कि जब आप टीवी सीरियल सर्कस कर रही थी शाहरुख खान साहब के साथ, तो फायदा ये थी कि जब प्रोड्यूसर थोड़ा सा चेक लेट कर देता था तो आप हिंदी सीरियल में जानबूझ के मराठी बोलने लगती थी। ये सच है कि अफवाह है? मैं कई बार जिस तरह की हिंदी बोलती थी लोगों को लगता था मराठी है। जैसे हम पंजाबी लोग, जब अब तो फिर भी काफी सुधार हो गया, नहीं नहीं हमारी हिंदी ऐसी लगती थी कि पंजाबी बोल रहे हैं हम लोग। नहीं, पर एक शाहरुख जी का ही किस्सा है सर्कस का। अच्छा। जो मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर कि क्या होता था कि अजीज मिर्जा जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, जो मेरे मेंटर हैं, तो उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि रेणुका आप ना हिंदी पढ़ा करो और मराठी का जो लहजा आता है आपकी बातों में वो चला जाएगा और आपको हिंदी में काम करना है। तो मुझे सटीक लगता था। तो हमारे साथ रेखा सहाय जो एक्ट्रेस थी, चेची का रोल करती थी, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भाई शाहरुख खान के पंजाबी एक्सेंट है, उनको आप कभी कहते नहीं हो और इनकी तो मराठी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलती है बनिस्बत शाहरुख खान के, तो आप उनको क्यों नहीं बोलते? तो अजीज अंकल को लगा नहीं नहीं भाई, हमारे यहाँ तो इक्वालिटी है, होनी चाहिए। तो उन्होंने शाहरुख से भी कहा कि ये जो आराम से कहते हो वो आराम से नहीं है, आराम से है। नाराज जो कहते हो नाराज नहीं है, नाराज है। तो एक सीन में उसको मुझे फॉलो करना था, हमारी कुछ अनबन हो गई थी, तो मेरा किरदार मरिया और उसको मुझे कहना था कि मरिया तुम मुझसे नाराज मत हो। तो चूंकि उसको डांट पड़ी थी नाराज के बारे में, तो बेचारा वो ये कर रहा था मन में कि नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज। अच्छा, उस समय भी उनको देखने के लिए 20,000 की भीड़ इकट्ठा होती थी रत्नागिरी में। तो हम शूटिंग कर रहे थे और मैं चर्च से बाहर निकलती हूँ और बहुत लंबा वॉक लेके उन तक पहुँचती हूँ। उसके बाद उसको ये लाइन कहनी थी कि मरिया तुम मुझसे नाराज मत हो। तो चूंकि इतना उन्होंने रट लिया था कि नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज, तो जब मैं वहां पर पहुंची सारे लोग देख रहे थे अब शाहरुख खान डायलॉग बोलेगा। उन्होंने कहा मरिया मैं अनार हूं। ओके। तो रेणुका मैम, एक और अफवाह आपके बारे में यह है कि स्कूल में टीचर आपको रेणुका शाहने की जगह गलती से शाने बुलाया करती थी। इज इट ट्रू मैम? शाने मतलब नहीं, वो वैसे नहीं था, लेकिन हमको बचपन में, चूंकि मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है। अच्छा जी। और हम टिकट काटते थे तो मेरा फुल टिकट उसका आधा, तो अच्छा। हमको दीड़ शाने जरूर बुलाते थे। अच्छा आशुतोष सर कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं, स्टायर भी बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी हाल ही में आशुतोष सर की जो बुक है राम राज्य सर, वो प्लीज उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि उसमें क्या है राम राज्य बुक? राम राज्य जो किताब है वो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि भगवान राम के चरित्र को पढ़ा है जी, लेकिन ये राम राज्य जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन दर्शन के ऊपर है। अच्छा जी। अक्सर ये माना जाता है कि अगर परमात्मा राम ईश्वर है तो ईश्वर का सानिध्य किसी भी अपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण करता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान राम के संपर्क में आने के बाद कोई शूर्पणखा के नाक कान काट दिए जाते हैं, उसे अपूर्ण कर दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और बात हो और हमने किसी और चीज को समझ लिया हो जी, जबकि सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी वासना को ईश्वर के सामने रखा, जबकि ये कहा जाता है
कि अगर ईश्वर के सामने वासना आप रख दें तो वो उपासना में परिवर्तित हो जाती है। तो ये ऐसे फिर सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है जी। अगर उनकी कृपा हो जाए तो अशिष्ट व्यक्ति भी शिष्ट हो जाता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सरस्वती माता कैकेयी की जिह्वा पर बैठकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। फिर ये कहा जाता है कि रावण ने तपस्या की अमर होने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, शिव जी ने भी मना कर दिया, तो फिर रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? अगर अमृत कुंड है इसका मतलब है कि वो अमर है, तो फिर वो अमृत कुंड कौन सा है? तो ऐसे कई सारे प्रश्न थे जो हमारे दिमाग में खड़े होते थे, और उन तमाम चीजों को लेके राम राज्य लिखी गई, और ये एक आनंद का विषय है कि लोगों को वो बहुत पसंद आ रही। क्या बात सर, हम भी जरूर पढ़ेंगे सर। एक बार जोरदार तालियां आशुतोष सर के लिए और रेणुका मैम के लिए। आइए सर। सर बहुत बहुत आभारी हैं आपके, आप हमारे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया और आप आए, और सच में मतलब इतना इतना कुछ सीखने को मिलता है जब भी आपसे मुलाकात होती है, और आज मैम से मिलके तो और धन्य हो गए मैम, बड़ा मजा आया आपको मिलके। धन्यवाद। टीवी पे ही आपको देखा था और आज पहली बार देख के इतना मजा आया, इतनी खूबसूरत बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू।